ओम शांति। आज है 29 जनवरी 2022। मुरली का सार, मीठे बच्चे। आत्मा को निरोगी बनाने के लिए रूहानी स्टडी करो और कराओ, रूहानी हॉस्पिटल खोलो। प्रश्न: कौन सी एक आश रखने से बाकी सब आशाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं? उत्तर: सिर्फ बाप को याद कर एवर हेल्दी बनने की आश रखो। ज्ञान योग की आश पूर्ण की तो बाकी सब आशाएं स्वतः पूरी हो जाएंगी। बच्चों को कोई भी आदत नहीं रखनी है, ऑलराउंडर बनना है। भल खामियां हर एक में हैं, परंतु सर्विस जरूर करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, आराम पसंद नहीं बनना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, सर्विस में ही पैसे खर्च करने हैं, मनुष्यों की जीवन कांटे से फूल बनानी है। दूसरा, सदैव कंस्ट्रक्शन का काम ही करना है, डिस्ट्रक्शन का नहीं। अपने आप से बातें करनी है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या बन रहे हैं। वरदान: शक्तिशाली याद द्वारा परिवर्तन, खुशी और हल्केपन की अनुभूति करने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। शक्तिशाली याद एक समय पर डबल अनुभव कराती है। एक तरफ याद अग्नि बन भस्म करने का काम करती है, परिवर्तन करने का काम करती है, और दूसरे तरफ खुशी व हल्केपन का अनुभव कराती है। ऐसे विधि पूर्वक शक्तिशाली याद को ही यथार्थ याद कहा जाता है। ऐसी यथार्थ याद में रहने वाले स्मृति स्वरूप बच्चे ही समर्थ हैं। यह स्मृति सो समर्थी ही नंबर 1 प्राइज का अधिकारी बना देती है। स्लोगन: अनुभवी वह है जिसकी दिल मजबूत और बुजुर्ग है। ओम शांति।